हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप बैंक के बारे में। बहुत शानदार बैंक है, लेकिन बहुत टाइम से इस स्टॉक में करेक्शन लगातार होता जा रहा है। तो आप लोगों को किस तरीके से इस स्टॉक में बाय करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न मिल सके, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा बैंक है, क्या फंडामेंटल से पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके रिजल्ट से। मार्च 2020 का भी डाटा हमारे पास है, क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। तो रेवेन्यू देखिए, दिसंबर 2019 में 31,201 करोड़ का था और अभी मार्च 2020 में 31,795 करोड़ का। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं रेवेन्यू में। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 3,124 करोड़ से 3,190 करोड़ का, तो यहां पर भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मार्जिन परसेंटेज की अगर बात करेंगे आप तो 10% की, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में यहां पर नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप एक मार्च 2020 को मार्च 2019 से कंपेयर करेंगे तो 6,301 करोड़ से नेट प्रॉफिट हुआ है 7,280 करोड़। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं क्वार्टरली ट्रेंड में। और अभी इस प्रॉफिट को देखते हुए क्या हो सकता है, इस बैंक में और भी करेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। तो रेवेन्यू देखिए आप, 2018 से 2019 को कंपेयर करेंगे तो 85,288 करोड़ से 105,161 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो 13,375 करोड़ से 16,592 करोड़ का हुआ है। और फाइनेंशियल मार्जिन परसेंटेज भी 16% का, लेकिन लास्ट 12 महीनों में आप देखेंगे वो जो लास्ट क्वार्टर था वहां रिजल्ट्स खराब आया है, जिसके कारण आप देखें लास्ट 12 महीनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 11% की है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे आप देखें, 2018 में 18,510 करोड़ का था, फिर 2019 में क्या हुआ 22,332 करोड़ का हुआ, और लास्ट 12 महीनों में अगर कंबाइन करके देखते हैं तो 27,254 करोड़ का हुआ है। तो अगर ईयर वाइज देखते हैं तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि केवल एक साल का प्रॉफिट देखकर तो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म से अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है तो उसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2008 में देखें 1,595 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2009 में देखिए आप उससे ज्यादा हुआ, 2010 में उससे ज्यादा हुआ, फिर देखें 3,900 के आसपास प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, फिर 5,200 करोड़ का, फिर 6,800, 8,700, 10,000 करोड़ का, फिर देखिए 12,000, 15,000, 18,000, 22,000 और 27,000। तो आप पाएंगे कि 2008 से इस कंपनी ने कभी भी किसी साल में नेगेटिव में नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसका सीधा सा एडवांटेज ये है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो बहुत ही शानदार ये कंपनी रिटर्न बनाकर दे सकती है। किस तरीके से रहा है लॉन्ग टर्म में ट्रैक रिकॉर्ड, वो भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 20.48% का है लास्ट 10 साल का। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, 25.82% का है, और CAGR देखते हैं तो 17.01% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एक बैंकिंग स्टॉक है ये। और ROE भी 18.48% का मेंटेन किया। तो ओवरऑल देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अभी लास्ट एक साल आप जानते ही हैं कोरोना की वजह से, और अभी जो प्रेजेंटली अगर डाउनफॉल आया है सारे स्टॉक्स में तो वो कोरोना की वजह से आया है। तो अगर इसकी इस प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से अगर आपको अच्छा स्टॉक अगर कम वैल्यू पर मिलता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के होराइजन के आपको सोचकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिटर्न बड़ा बनेगा। अब किस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के सेशन में भी देखेंगे लगभग 33 रुपए का करेक्शन हुआ है, 893 का क्लोजिंग है। अब आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में 87% का रिटर्न बनाकर दिया है, और जिस प्राइस पर अभी चल रहा है यहां से पैसा इजीली डबल कर सकता है, लेकिन पेशेंसली होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको स्टॉक को। एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में देखिए नेगेटिव में रिटर्न दिया है, पूरा जितना अच्छा रिटर्न बनाया था केवल और केवल इन 2 से 3 महीनों में पूरा नेगेटिव में रिटर्न हो गया, यानी कि एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका पैसा अभी डाउन होगा।
एक महीने की भी बात करें तो 3% का रिटर्न है, 3.73% का। 1 वीक की बात करते हैं तो 1.86%, और आज के दिन में अच्छा खासा ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो HDFC बैंक की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक में नंबर वन बैंक है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, लार्ज कैप की कंपनी है, 5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। की मैट्रिक्स देखते हैं तो सेक्टोरियल पी से ये स्टॉक अभी भी 18 का पी है, तो अच्छा स्टॉक है, अच्छे वैल्यू पर आपको अवेलेबल हो रहा है, और 96% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। कंपनी प्रोफाइल आप सभी को पता है, बैंकिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज HDFC बैंक प्रोवाइड कराती है और प्राइवेट बैंक में नंबर वन बैंक है। फाइनेंशियल्स का आपको मैंने बता दिया, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। डिविडेंड कितना देती है वो भी देख लेते हैं हम। तो डिविडेंड की बात करते हैं तो लगभग साल में 2 बार डिविडेंड ये कंपनी देती है, और 2019 में दिया है इसने। 2019 में 1 बार दिया लगभग 7.50 रुपए का, और कैश डिविडेंड 2019 में 1 बार दिया है 2.50 रुपए का। तो ऑलमोस्ट देखें तो 10 रुपए के आसपास डिविडेंड इस कंपनी ने बनाकर दिया है, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। और आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग हुई है तो 42.44% डिलीवरी में ट्रेड हुआ है, यानी कि डिलीवरी में बाय किया गया है इस स्टॉक को। और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पर। सबसे पहले डेली चार्ट पर लगा रखा है, आज मैंने मूविंग एवरेजेस नहीं लगाए हैं, केवल एक ये लाइन ड्रॉ की है वो आप देखिएगा। सबसे बड़ी बात 910 का जो ये है ना, एक अच्छा, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उस कैंडल को कंसिडर नहीं करते तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लगभग 14 दिनों से, यानी कि आधा महीना मान लो आप, 15 दिन मान लो, 15 दिन से इस लेवल को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था 910 के लेवल को, ठीक है। तो आज जो कैंडल बनी है इसमें सेलिंग प्रेशर आया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इस स्टॉक में अगर कल कंटिन्यू अगर करेक्शन रहता है तो ये स्टॉक लगभग आपको 850 के आसपास मिल सकता है। और प्रेजेंट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और प्रेजेंट लेवल से भी अगर आप SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं और 850 तक आए तो आप और भी ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाकर दे सकता है। 850 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो बेस्ट लेवल है इसका एंट्री करने के लिए, और अभी से भी आप लोग SIP मोड में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट, यानी कि जो भी अमाउंट लगाना चाहते हैं उसका 20% अमाउंट आप अभी प्रेजेंट लेवल पर भी लगा सकते हैं। और 850 के आसपास मिले तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इस स्टॉक को, इस स्टॉक में पूरी कैपेबिलिटी, आपका 3 से 4 साल में पैसा डबल कर सकता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।